नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू परोठा। आलू परोठा के लिए ये सब सामग्री चाहिए। पहले हमको चाहिए आलू। मैंने 10 बार आलू इसको दो सीटी लगाकर बॉईल करके रखा है। 2 कप आटा लिया है। एक बड़ा प्याज को छोटा पीस काट कर लिया है और धनिया पत्ता को भी बारीक काट लिया है। 3 हरा मिर्च बारीक काट लिया। नमक आधा चम्मच, मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर। हम आटा गूंथेंगे। आटा में मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया। अब पानी डालकर एक टाइट डो तैयार करेंगे। टाइट डो बनाना है। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। दो कप मैदा में 1 कप से कम पानी लगा है। 3 चम्मच और पानी बचा है। अब हम इसको अच्छा से मसल लें। अच्छा से गूंथ लें। तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक साइड में रख देंगे, ढककर रख देंगे। हम आलू को स्मैश कर देंगे। अच्छा से स्मैश करना है। गुठली रहना नहीं चाहिए। इसको मैंने अच्छा से स्मैश कर दिया है। अब हम इसमें प्याज, धनिया पत्ता, हरा मिर्च, जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच नमक डालेंगे और इसको अच्छा से मिक्स कर देंगे। नमक आप टेस्ट हिसाब से डाल सकते हैं। ये अच्छा से मिक्स हो चुके हैं। अब हम पराठा बनाएंगे। पराठा बनाएंगे। इतना गुला लेंगे और इसको सूखा आटा में थोड़ा लपेट देंगे। इसको कटोरे जैसे सेप देंगे। अब हम इसमें ये आलू भर देंगे। 1 चम्मच से ऊपर आलू ले हमने और चारों तरफ ऐसे बंद कर देंगे। ये देखिए गुल्ला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको सूखा आटा में लपेट कर
इसको बेल लेंगे, धीरे धीरे बेलना है, ज्यादा प्रेस नहीं देना है। ये देखिए एक परोठा हमारा तैयार हो चुका है, हम थाली में रख देंगे, बाद में इसको सकेंगे। अब हम दूसरा परोठा बनाएंगे, इसे दो लोई लेंगे। दो लोई इसे बेल देंगे, सूखा आटा लपेट कर। इसको इधर रख देंगे। मैं दो तरीका पराठा बनाकर दिखा दी, आपको जो आसान लगे उसको आप बनाना है, आप उसको बनाओगे। ये देखिए इतना साइज बनना है, आप बड़ा भी कर सकते हैं। और इसका अंदर इसे आलू भरना है। इस तरह आप बना सकते हैं, नहीं तो आप गोला बनाकर उसका अंदर आलू भरकर बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह करना है, और इसका ऊपर थोड़ा सूखा आटा इसे छिड़कना है। ज्यादा नहीं बेलना, थोड़ा सा खाली पलना है। ये देखिए ये पराठा हमारा तैयार हो चुका है। इसी तरह हम सारा पराठा बना लेंगे। अब हम पराठा बनाएंगे। मैंने गैस पर एक तावा रख दिया है, गैस ऑन कर दिया है, तावा अभी गर्म है। अब ये पराठा बनाएंगे, फ्लेम हाई कर देंगे। एक तरफ थोड़ा सा हो जाएगा, हम पलट देंगे। एक तरफ थोड़ा सा हो गया, अब हम इसके ऊपर तेल लगा देंगे। अब दूसरी तरफ भी तेल लगा। ये पराठा मैंने एक गुला का अंदर जो आलू डालकर बनाया था, फ्लेम हाई रखेंगे। ये तैयार हो चुका है, अब हम इसको प्लेट में निकाल देंगे। और एक पराठा बना के दिखाती हूँ। ये पराठा मैंने जो दो गोला बनाकर इसका अंदर आलू भरकर बनाया था, वो फ्लेम हाई रखेंगे, इसको पलट देंगे। इस तरह हम उलट पलट कर देंगे।
ये एक तरफ हो गया, अब हम इसमें तेल लगा देंगे और इसको पलट देंगे। दूसरी तरफ भी तेल लगा देंगे। फ्लेम हाई रखेंगे। ये पराठा बन गया, इसको हम प्लेट में रख देंगे। इसी तरह हम सारा पराठा बना लेंगे। ये तैयार हो चुका है, इसको प्लेट में रख दे। आलू पराठा तैयार हो चुका है, मैंने इसको प्लेट में सर्व कर दिया। आप इसको कभी भी बना के खा सकते हैं। आप इसको टमाटर सॉस या दही के साथ खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए।